This is the future. तो यारो कैसे हो, आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो लेकर आ गया हूँ हॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवीज, जिनके अंदर की विजुअल सीन और हद से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन सीन आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इज द फ्यूचर। और गाइस, इन सभी मूवीज को ऑफिशियली हिंदी में डब किया गया है, जिनके लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप अपनी फेवरेट मूवीज देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो 10 नंबर पे मूवी आती है उसका नाम है मुलान AI। तो 2020 में ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई शक्तिशाली आक्रमणकारियों के सरदार बोरी खान और उसके जादूगरों की, जो कि अपने विशाल सेना के साथ पूरे चाइना पर हमला करने वाला है, जिसके वजह से चाइना के राजा चाइना के सभी घर से एक एक लड़के को सेना में शामिल होने का आदेश देते हैं। लेकिन एक मुलान नाम की लड़की एक लड़के के रूप में होकर जंग में शामिल हो जाती है, जिसके पीछे का कारण जानने के लिए और इस लड़के के साथ क्या क्या होता है ये सभी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। गाइस, इस मूवी के अंदर आपको जबरदस्त एक्शन वार देखने के लिए मिलेगा। तो इस मूवी को आप गलती से भी मिस मत करना, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसे IMDb ने रेटिंग दी 7.0 आउट ऑफ 10। 9 नंबर पे ब्यूटी एंड द बेस्ट AI। तो 2017 में ये मूवी एक फैंटेसी मैजिकल रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है गांव की एक बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की बेली की, जिसके पिता को एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने कैद कर लिया है और वो लड़की अपने पिता को बचाने के लिए उस खतरनाक क्रिएचर के महल में जाती है, जिसके बाद उस बेस्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जिसके वजह से वो लड़की उस बेस्ट की तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। और फिर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ब्यूटी एंड बेस्ट की। ये एक बहुत ही शानदार लव स्टोरी मूवी है, जो कि 1990 में आई एक एनिमेटेड मूवी का ऑफिशियल एडप्शन है। और गाइस, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। IMDb ने रेटिंग दी 7.1 आउट ऑफ 10। 8 नंबर पे द डार्क टावर AI। तो 2017 में ये मूवी एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक डार्क टावर की, जो सभी दुनिया की सुरक्षा करता है बुरे ताकतों से। लेकिन एक मैन इन ब्लैक उस टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि वो सभी दुनिया पर अंधकार फैलाकर पूरी दुनिया को तबाह कर सके। लेकिन एक गन स्लिंगर उसको रोकने के लिए लगा हुआ है। लेकिन इन सभी के रीजन धरती पर रह रहे एक लड़के के सपने में आते रहते हैं। तो आगे उस लड़के के साथ क्या क्या होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। गाइस, इस मूवी के अंदर आपको कमाल की फाइट और मैजिक देखने के लिए मिलेंगे। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसे IMDb ने रेटिंग दे 5.6 आउट ऑफ 10। I shoot with my hands. I shoot with my mind. 7 नंबर पे ब्यूटीफुल क्रिएचर्स AI। तो 2013 में ये एक रोमांस फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक श्रापित लड़की लैना की, जिसे पिछले 3 स्कूलों से निकाल दिया गया है, क्योंकि लैना जहां जाती है उसके साथ काली शक्तियां आकर वहां पर बर्बादी लाती हैं। लेकिन इस बार इथर नाम का एक लड़का लैना के प्यार में पड़ जाता है और उसे उस श्राप से मुक्त करना चाहता है। आखिर वो लड़का ऐसा सब कुछ कर पाता या नहीं, ये सभी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसे IMDb ने रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10। 6 नंबर पे हरकुलस AI। तो 2014 में ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक हरकुलस की, जो एक डेमी गॉड है। डेमी गॉड का मतलब है आदि इंसान और आदि भगवान का संतान। लेकिन इस बार उसकी मदद मांगी एक राजा और उसकी बेटी ने, क्योंकि उसके राज्य पर एक बहुत ही बड़ा वार लॉर्ड आक्रमण करने वाला है। और जो लोग उन पर आक्रमण करने वाले हैं उन लोगों को कहा जाता है ये लोग इंसान नहीं, आधे इंसान और आधे हॉर्स हैं। ऐसे में हरकुलस कैसे इनकी मदद करता है ये सभी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। IMDb ने 6.0 आउट ऑफ 10। 5 नंबर पे पर्सी जैक्सन द ओलंपिया द लाइट नाइट थीप AI। तो 2010 में एक एडवेंचर फैंटेसी फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक टीन एज लड़के की, जिसको एक दिन पता लगता है कि वो एक भगवान की संतान है, यानी एक डेमी गॉड है, और वही भगवान के बीच होने वाले एक महायुद्ध को रोक सकता है, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल लाइट नाइट वेपन चोरी हो गया है। आखिर ये लड़का कैसे उस महायुद्ध को रोकता है ये सभी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी के अभी तक 2 पार्ट आए हैं, दोनों पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। इसे IMDb ने रेटिंग दिया 5.9 आउट ऑफ 10। 4 नंबर पे सिंड्रेला AI। तो 2015 में ये मूवी एक एक्शन फैंटेसी रोमांस मूवी है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक बहुत ही मासूम खूबसूरत लड़की एला की, जिसके पिता एक सफर के दौरान वापस कभी नहीं आते हैं, जिसके बाद उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और घर के सारे काम उसी से करवाती है। लेकिन एक दिन एक पैरी गॉड मदर उस लड़की को एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ा देती है राजा के महल में चल रही पार्टी में जाने के लिए, जिसके बाद राजा का बेटा एला के प्यार में पड़ जाता है और उसे पाने के लिए राजकुमार क्या क्या करता है ये सभी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। IMDb की तरफ से रेटिंग मिले 6.9 आउट ऑफ 10।
तीसरे नंबर पे गॉड ऑफ इजिप्ट एआई तो 2016 में। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई इजिप्ट के उस समय की, जब इजिप्ट के अंदर भगवान रहा करते थे और वहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही खुश रहा करते थे। लेकिन इन्हीं गॉड्स में एक गॉड अपने भाई को धोखा दे देता है, यानी इजिप्ट के राजा को धोखा दे देता है और उसकी हत्या भी कर देता है और उसके बेटे की दोनों आंखें निकाल लेता है और उसको मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन काफी समय बाद एक लड़की जो इजिप्ट के अंदर काम करती है, जिसको भगवान पर बहुत ही भरोसा होता है, और अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम गॉड्स के बेटे की दोनों आंखें उसके पास लेकर जाओ और उसके साथ में मिलकर बुरे राजा को पूरे इजिप्ट से बाहर निकाल दो। तो क्या ये दोनों अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये सभी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिले 6.4/10। दूसरे नंबर पे इमोर्टल्स एआई तो 2011 में। ये मूवी एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है थीसियस की, जो एक मॉर्टल मैन है और उसको ज्यूस ने चूज किया है ताकि वो एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रूर राजा को रोक सके, जो एक बहुत ही पावरफुल ग्रीक वेपन को अचीव करना चाहता है। और एक धनुष है जो एक दिव्य धनुष है, और अगर इस धनुष को इसने पा लिया तो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और पूरी पृथ्वी पर राज करने लगेगा। आखिर थीसियस इसको कैसे रोकता है, ये सभी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिले 6.0/10। इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे मूवी आती है उसका नाम है एक्समैन एपोक्लिप्स एआई 2016 में। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक बहुत ही शक्तिशाली दुनिया के सबसे पहले म्यूटेंट एपोक्लिप्स की, जिसे सदियों साल पहले लोग भगवान की तरफ पूजते थे। अपने विनाश के चार घुड़सवार के साथ लौट आया है जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए। ऐसे में बचे हुए म्यूटेंट्स और नए म्यूटेंट्स उसका कैसे सामना करते हैं, ये सभी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। गाइस इस मूवी के अंदर इन सभी म्यूटेंट्स का सामना सीधे म्यूटेंट्स के भगवान से होने वाला है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। IMDb की तरफ रेटिंग मिले 6.9/10। तो गाइस आई होप ये सभी मूवीज आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इन सभी मूवीज को एंजॉय भी करोगे। तो अगर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी के अपडेट मिलते रहें। दिस इज द फ्यूचर।